तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? कब से बड़े होंगे इन गाइस, बड़े रहना तो आपका नहीं आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग फ्री फायर कंट्रोल सेटिंग के ऊपर, जो कि आप अगर फ्री फायर खेलते हो और फ्री फायर कंट्रोल के बारे में अच्छे से नहीं जानते हो तो फ्री फायर को फिर कंट्रोल कैसे करोगे। तो इसलिए मैं आपके लिए OB31 अपडेट के बाद कंट्रोल सेटिंग के ऊपर वीडियो लेकर आ चुका हूँ। और आज के ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर से देख लेना, साथ ही एक वीडियो का लाइक कर देना। तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दो, नहीं हुआ सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर दो। ओके, तो हम लोग कंट्रोल सेटिंग पर जाने के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग कंट्रोल्स पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का हमारा कंट्रोल सेटिंग ओपन होता है और यहाँ पर हमारा बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है सेटिंग का। तो यहाँ पर हम लोग पहले से शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पर हमें सबसे पहला कंट्रोल सेटिंग देखने को मिलता है एम प्रेसिजन, और इसमें हमें टोटल 3 ऑप्शन देखने को मिलता है डिफॉल्ट, प्रिसाइज, ऑन स्कोप और फुल कंट्रोल। तो इसको आप जब डिफॉल्ट करके रखते हो, उसके बाद आप जब गेम खेलते हो और उसमें आप गन से जब एनिमी को मारते हो, आपका जो ऑटो एम है ऑटोमेटिक चिपकता है एनिमी पर। उसके बाद जब जूम करके भी फायरिंग करते हो तो जैसे ही जूम करते हो तो ऑटो एम जाकर चिपक जाता है एनिमी पर, जैसे ही फायर करते हो तो एनिमी को गोली लगता है। लेकिन आप जब यहाँ पर आकर प्रिसाइज ऑन स्कोप कर दोगे तो यहाँ पर फिर जाओगे गेम में तो एनिमी को मारोगे तो ऑटो एम तो चिपकेगा डायरेक्ट, लेकिन आप जब जूम करके मारोगे एनिमी को तो आपका जो ऑटो एम डायरेक्ट नहीं चिपकेगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर हमें खुद एम स्नाइपर जैसा मिलाकर मारना पड़ेगा, तभी जाकर आपको गन एनिमी पर लगेगा। उसके बाद आप अगर यहाँ पर आकर फुल कंट्रोल कर दोगे, उसके बाद फिर जाओगे गेम में और एनिमी को मारोगे तो आपका एक भी ऑटो एम नहीं चिपकेगा यहाँ पर, जिधर मारोगे उधर ही जाएगा ऑटो एम, एनिमी पर कभी नहीं जाएगा। और साथ ही आप जूम करके भी मारते हो तभी आपका ऑटो एम कभी नहीं जाएगा। तो ये जो आप गलती से भी फुल कंट्रोल कर लेते हो यहाँ पर, तो आप एनिमी पर एम करते ही रह जाओगे तब तक आपका एनिमी सामने वाला मार देगा। तो इसीलिए आपको क्या करना होता है कि एम प्रेसिजन हमेशा डिफॉल्ट पर करके रखना है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है लेफ्ट फायर बटन, इसमें हमें 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, एक ऑलवेज और एक स्कोप ओनली। तो यहाँ पर आप स्कोप ओनली करके रखोगे तो फिर गेम में जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ही फायर बटन देखने को मिलेगा। उसके बाद जब आप गन लेकर जूम करके एनिमी को मारते हो और जैसे ही आप गन लेकर जूम करोगे तो आपको यहाँ पर साइड में और एक फायर बटन देखने को मिलेगा, और जैसे ही आप जूम को फिर से हटाओगे तो यहाँ से आपका फायर बटन भी हट जाएगा। इसके बाद आप अगर यहाँ पर आकर लेफ्ट फायर बटन को ऑलवेज पर कर दोगे और फिर गेम में जाओगे तो यहाँ पर आपको दोनों साइड हमेशा फायर बटन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि लेफ्ट फायर बटन को हमेशा ऑलवेज करके रखना है, क्योंकि हम लोग जब भी फार्म हाउस गन को यूज करते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए लेफ्ट फायर बटन जब जूम आउट जूमिंग करके मारते हैं तो हमें काम करता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ऑलवेज करके रखना है। इसके नीचे हमें और एक ऑप्शन देखने को मिलता है क्विक वेपन स्विच, और इसमें हमें 2 ऑप्शन देखने को मिलता है ऑन और ऑफ का। तो यहाँ पर आप जब भी ऑन करके रखोगे तो आपका गेम में एक ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका गन चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक, जो कि हम लोग यहाँ पर क्लिक करके अपना गन चेंज करते हैं। तो आप यहाँ से भी चाहो तो गन अपना चेंज कर सकते हो इस ऑप्शन से, और ये जो ऑप्शन हमेशा मैं ऑन करके रखता हूँ क्योंकि मैं जब भी स्नाइपर गन यूज करता हूँ तो ये ऑप्शन मेरे लिए काम करता है। तो आप भी अगर जब स्नाइपर गन चलाते हो तब आपको इसको ऑन करके रखना है, और आप अगर यहाँ पर आकर इसको ऑफ कर दोगे तो ये जो ऑप्शन आपका गेम से हट जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर क्विक रिलोड का ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ पर भी 2 ऑप्शन मिलता है ऑन ऑफ का। तो यहाँ पर आप अगर इसको ऑफ कर दोगे और फिर गेम में जाओगे तो गेम में आपका कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर इसको ऑन कर दोगे उसके बाद आप गेम में जाओगे तो यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। और इस ऑप्शन से होता क्या है कि आप जब भी गोली फायर करते हो तो उसके बाद आप यहाँ पर टैप कर दोगे तो आपका गन जो ऑटोमेटिक रिलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये जो ऑप्शन ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, मैं यहाँ से ही टैप करके अपना गन रिलोड कर लेता हूँ। तो आप भी अगर ऐसा ही करते हो तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर इसको ऑफ कर देना है। इसके बाद हमें और एक ऑप्शन देखने को मिलता है होल्ड फायर टू इसको, और इसमें भी हमें 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, एक ऑन का और एक ऑफ का। तो यहाँ पर आप अगर इसको ऑफ कर देते हो और ऑफ करने के बाद उसके बाद अगर आप स्नाइपर गन यूज करते हो तो आप जैसे ही फायर करोगे तो आपका जूम होकर फायर नहीं होगा, आप यहाँ पर जूम पर क्लिक करके जूम करोगे तभी जूम होगा, और ऐसे फायर करोगे तो जूम होकर फायर नहीं होगा। और अभी तो आप अगर फायर करके दूसरा गन चेंज कर लेते हो और फिर से वो स्नाइपर गन लोगे तो दोबारा से आपका रिलोड का ऑप्शन मांगेगा, यानी कि ऑटोमेटिक आपका स्नाइपर गन रिलोड नहीं होगा। इसके बाद आप यहाँ पर आकर होल्ड फायर टू स्कोप को ऑन कर दोगे, उसके बाद फिर से आप गेम में जाओगे और स्नाइपर गन यूज करोगे, और वहाँ पर जैसे ही आप फायर बटन पर क्लिक करके होल्ड करोगे तो आपका स्नाइपर गन जूम हो जाएगा, और वहाँ पर आप चाहो तो अपना ऑटोमेटिक एम लगाकर फायर कर सकते हो। उसके साथ ही आपको स्कोप को बैक करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका
फिर से फायरिंग रुक जाएगा यानी कि बैक हो जाएगा। साथ ही इसके बाद जैसे ही आप फायर करके गन चेंज करोगे तो आपका स्नाइपर गन ऑटोमेटिक रिलोड हो जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर होल्ड फायर टू स्कोप को हमेशा ऑन करके रखना है। इसके बाद हमें नीचे और एक ऑप्शन देखने को मिलता है ग्रेनेड स्लॉट का, और इसमें भी हमें दो ऑप्शन देखने को मिलता है, एक सिंगल स्लॉट उसके बाद डबल स्लॉट। तो सिंपली आप यहाँ पर सिंगल स्लॉट करके रखते हो तो यहाँ पर आपका जो ग्लोबल का ऑप्शन है ये आपका एक ही देखने को मिलेगा और इसी में आपका ग्लोबल और बम देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर आकर डबल स्लॉट कर दोगे तो आपका गेम में भी यहाँ पर डबल स्लॉट देखने को मिल जाएगा, यानी कि ग्लोबल का एक्स्ट्रा और बम का एक्स्ट्रा। इससे हमारा होता क्या है कि ग्लोबल फेंकने में थोड़ा आसान होता है, तो आप भी कुछ ज्यादा ही आसानी से ग्लोबल फेंकना चाहते हो तो आपको यहाँ पर ग्रेनेड स्लॉट को डबल स्लॉट में कर देना है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है व्हीकल कंट्रोल्स का ऑप्शन, और इसमें भी दो ऑप्शन मिलता है, टू हैंडेड और वन हैंडेड। तो यहाँ पर अगर आप वन हैंडेड करके रखते हो उसके बाद आप अगर गेम में जाकर कोई भी गाड़ी यूज करते हो यानी कि चलाते हो तो यहाँ पर आप देखो हमें एक ही ऑप्शन मिलता है इसको चलाने के लिए, और इसी से आप आगे करोगे तो आगे जाएगा और इसी से आप पीछे करोगे तो पीछे जाएगा। और ये जो वन हैंडेड का ऑप्शन ओनली पीसी में ही ज्यादा यूज किया जाता है, हम लोग का मोबाइल में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है लेकिन एक्सपीरियंस कर लोगे तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और साथ ही आप यहाँ पर आकर अगर डबल हैंडेड कर दोगे तो फिर उसके बाद गेम में जाओगे और कोई भी गाड़ी यूज करोगे तो उसके बाद यहाँ पर देखो हमें टोटल चार ऑप्शन मिल जाएगा। ये दोनों ऑप्शन से आप आगे पीछे कर सकते हो और उसके साथ ये दोनों ऑप्शन से लेफ्ट राइट घुमा सकते हो अपने गाड़ी को। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि व्हीकल कंट्रोल्स को टू हैंडेड पर करके रखना है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है ऑटो पैराशूट, और यहाँ पर भी दो ऑप्शन मिलता है ऑन ऑफ का। तो अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो फिर आप गेम अपना जैसे स्टार्ट करोगे उसके बाद आप जैसे प्लेन से जंप करोगे तो आपका कैरेक्टर एक ही जगह पर रुक जाएगा, यानी कि एक ही जगह पर लैंड होगा और साथ ही आपका कैरेक्टर बहुत ही देर से उतरेगा। और उसके बाद आप अगर यहाँ पर टैप कर दोगे तो आपका आगे जाने लगेगा और थोड़ा स्पीड लैंड करेगा। उसके बाद आप यहाँ पर आकर इसको ऑन कर दोगे और फिर जाकर आप प्लेन से जंप करोगे तो आपका कैरेक्टर एक जगह पर नहीं रुकेगा, यानी कि आगे चलने लगेगा और थोड़ा जल्दी लैंड होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि ऑटो पैराशूट को हमेशा ऑन करके रखना है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है रन मोड, और इसमें हमें टोटल तीन ऑप्शन देखने को मिलता है, सबसे पहला क्लासिक, उसके बाद ड्रैग और लास्ट में मिक्स। तो इस ऑप्शन को डीजे मिक्स मत समझ लेना, ये उससे थोड़ा अलग है, यानी कि क्लासिक और ड्रेक को मिलाकर ये मिक्स हुआ है। तो आप अगर यहाँ पर क्लासिक रखते हो और फिर गेम में जाओगे तो सिंपली यहाँ पर देखो हम लोग का रन का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर हम लोग रन पर क्लिक करके दौड़ते हैं। लेकिन उसके बाद आप यहाँ पर आकर इसको ड्रेक कर दोगे और उसके बाद फिर गेम में जाओगे तो यहाँ पर आप देखो ये जो रन का ऑप्शन गायब। रुको जरा, सबर करो। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि दौड़ने के लिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन मिलता है इसको ऊपर की तरफ करना है, और जैसे ही ऊपर की तरफ करोगे तो आपका कैरेक्टर जो ऑटोमेटिक दौड़ने लगेगा, और इसके अलावा आपको यहाँ पर कहीं भी दौड़ने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और इसके बाद आप यहाँ पर आकर रन मोड को मिक्स कर दोगे, उसके बाद फिर से गेम में आओगे तो आपका फिर से रन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप क्लिक करके दौड़ पाओगे अपने गेम में। उसके साथ ही यहाँ पर भी आप ऊपर की तरफ करोगे तो इससे भी आप रनिंग कर पाओगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर रन मोड को मिक्स करके रखना है, और अगर चाहो आप क्लासिक पर भी करके रख सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर गलती से भी ड्रैग करके मत रखना, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है इन गेम टिप्स, और यहाँ पर भी हमें दो ऑप्शन देखने को मिलता है, सबसे पहला डिफॉल्ट और उसके बाद सिंप्लीफाई। तो अगर आप यहाँ पर डिफॉल्ट करके रखते हो उसके बाद आप जब गेम में जाओगे और वहाँ पर गेम खेलते हो तो हमारा जो जोन श्रिंक होता है तो उसको यहाँ पर आप देख सकते हो, हम लोग का यहाँ पर दिखाई देता है बीच में ही ऊपर के साइड। और उसके बाद आप यहाँ पर आकर इन गेम टिप्स को सिंप्लीफाइड कर दोगे और फिर गेम में जाओगे तो हमारा जो जोन श्रिंक होता है यहाँ पर शो हो रहा था वही यहाँ पर साइड में हमारा फिर से शो होने लगा, यानी कि इन गेम टिप्स को आप डिफॉल्ट में रखोगे तो यहाँ पर थोड़ा बड़ा सा शो होगा, उसके बाद आप इन गेम टिप्स को थोड़ा सिंप्लीफाइड में करके रखोगे तो आपको यहाँ पर छोटा सा शो होगा। तो ये जो ऑप्शन हमारे गेम में उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो यहाँ पर सिंप्लीफाइड करके रख सकते हो। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है किल नोटिफिकेशन, और इसमें भी हमें दो ऑप्शन देखने को मिलता है, क्लासिक और सिंप्लीफाइड का। और ये भी हमारा किल नोटिफिकेशन ज्यादा गेम में फर्क देखने को नहीं मिलता है, तो इसीलिए आपको क्या करना है कि किल नोटिफिकेशन को क्लासिक पर करके रखना है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है डैमेज इंडिकेटर, और यहाँ पर भी हमें दो ऑप्शन देखने को मिलता है, सबसे पहले क्लासिक उसके बाद न्यू। तो यहाँ पर आप जब डैमेज इंडिकेटर को न्यू करके रखोगे तो यहाँ पर जब फायरिंग करोगे यानी कि एनिमी को मारोगे तो उसका डैमेज व्हाइट कलर में आपको दिखाई देगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पर आकर डैमेज इंडिकेटर को क्लासिक कर दोगे और फिर गेम में जाकर एनिमी को मारोगे तो आपका डैमेज येलो
कलर में दिखाई देगा। तो आप अगर एनिमी को डैमेज देते हो उसको व्हाइट कलर में देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि न्यू करके रखना है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है ऑटो स्विच गन, और यहाँ पर भी हमें दो ऑप्शन देखने को मिलता है ऑन ऑफ का। तो यहाँ पर आप अगर इसे ऑफ कर देते हो और फिर गेम में जाओगे उसमें जब आप फायरिंग करते हो तो आपका गन का एमओ खत्म हो जाएगा। तो आप फायर पर क्लिक करोगे तो आपका मतलब चेंज नहीं होगा, गन वही के वही रहेगा। लेकिन आप अगर यहाँ पर आकर इसको ऑन कर दोगे उसके बाद फिर से गेम में जाओगे और तब आपका फायर करते करते आपका गन का एमओ खत्म हो जाएगा और फिर से फायर पर क्लिक करोगे तो आपका ऑटोमेटिक गन जो चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर आकर इसे हमेशा ऑन करके रखना है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है विजुअल इफेक्ट, और इसमें जो हमें तीन ऑप्शन देखने को मिलता है, सबसे पहला क्लासिक, उसके बाद डार्क, उसके बाद नो ब्लड। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसे क्लासिक कर देते हैं उसके बाद हम लोग गेम में जाएंगे और गेम में जब भी आप जोन में पड़ोगे तो आपको जो जोन से डैमेज मिलता है उसमें आपको कुछ इस तरीके का रेड जैसा ब्लड देखने को मिलेगा जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और उसके बाद जब एनिमी को किल करोगे तो वहाँ पर भी ऐसा करके आपको रेड जैसा ब्लड निकलेगा, यानी कि देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर आकर डार्क कर दोगे और फिर जोन में जाओगे तो यहाँ पर देखो आपको ब्लैक जैसा ब्लड देखने को मिलेगा जोन में। और उसके बाद आप अगर जब एनिमी को किल करोगे यानी कि जब फायरिंग करते हो तो एनिमी पर ब्लड देखने को मिलेगा ब्लैक जैसा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और साथ ही आपको यहाँ पर और एक ऑप्शन देखने को मिलता है नो ब्लड, और यहाँ पर जैसे नो ब्लड कर दोगे उसके बाद अगर जोन में आप फंसते हो तो आपको कोई भी ब्लड देखने को नहीं मिलेगा जोन में। और उसके साथ ही जब एनिमी को भी फायरिंग करते हो तब भी आपका कोई भी ब्लड देखने को नहीं मिलता है, और यहाँ पर आपका जो भी डैमेज होगा वही दिखाई देगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर नो ब्लड करके रखना है। तो ये सब के बाद हमें देखने को मिलता है यहाँ पर फ्री लुक, और इसे आप अगर ऑफ कर दोगे तो आपको कुछ भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप जैसे ही इसको ऑन करोगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन और एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला पैराशूट, और इसको आप ऑन करके रखोगे तो जब आप जंप करोगे तो वहाँ पर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको क्लिक करके आप इधर उधर देख सकते हो। और पैराशूट को अगर ऑफ कर दोगे तो ये जो ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद स्प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो ये जो ऑप्शन अगर आप ऑन करके रखोगे तो आप अगर जब गेम में दौड़ोगे तो आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा फ्री लुक। और ये जो ऑप्शन से आप दौड़ते समय भी इधर उधर देख सकते हो, आगे पीछे ऊपर नीचे। और इसको अगर आप ऑफ कर दोगे तो आपको दौड़ते समय ये जो फ्री लुक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और थर्ड में हमें ड्राइव का ऑप्शन देखने को मिलता है, और यहाँ पर आप इसको ऑन करोगे तो जब भी आप गाड़ी को यूज करोगे यानी कि गाड़ी चलाओगे तो आपको फ्री लुक का ऑप्शन मिलेगा, और वहाँ पर क्लिक करके भी आप इधर उधर देख सकते हो। और उसको ऑफ कर दोगे तो यहाँ पर आपको फ्री लुक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो अगर आप गेम में फ्री लुक का ऑप्शन चाहते हो तो आपको ये चारों ऑप्शन को ऑन करके रखना है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है हिट मार्कर, और इसमें भी हमें दो ऑप्शन देखने को मिलता है, एक न्यू और एक क्लासिक। अगर आप क्लासिक करके रखते हो और फिर एनिमी को जब मारोगे तो आपका हिट जो होगा वो रेड जैसा दिखाई देगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो रेड रेड दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर आकर इसको न्यू कर दोगे और फिर जाकर एनिमी को मारोगे तो यहाँ पर देखो स्लाइड सा व्हाइट करके दिखाई दे रहा है। तो यही फर्क है हिट मार्कर का, इतना ज्यादा फर्क नहीं है, तो इसमें से आप कुछ भी रख सकते हो। इसके बाद सबसे लास्ट में हमें देखने को मिलता है टीममेट इन्फो, और इसको आप अगर क्लासिक करके रखते हो तो फिर आप जब गेम खेलते हो तो आपका टीममेट का जो नेम है पास से देखोगे तो सेम दिखाई देगा, और दूर से भी देखोगे तो सेम क्लियर दिखाई देगा। लेकिन इसी को आप अगर यहाँ पर आकर ट्रांसलेट पर क्लिक कर दोगे और फिर उसके बाद आप गेम में जाओगे तो आपका टीममेट का नेम जो दिखाई देता है और दूर से तो ठीक क्लियर दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आप पास से देखोगे उसका नेम तो थोड़ा आपको कम क्लियर दिखाई देगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये सब कुछ के ऊपर बात करते ही ये वीडियो भी कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। तो कोई बात नहीं, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जो देखा है वो भी भूल जाओगे, तो इसीलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पर सेट करो। और साथ ही ये सब में से किसी के ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ। तो बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।